रोज रोज खाने में क्या बनाए, सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही चकरा जाता है। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, है ना? तो चलिए आज ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े। तो आज हम बनाएंगे पुलाव, आप इसे बिरयानी भी बोल सकते हो। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए है बासमती राइस। ये बासमती राइस थोड़े नए हैं, आपके पास अगर पुराने वाले हो तो पुराने वाला लीजिए। पुलाव के लिए पुराने बासमती राइस बहुत ही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि जो पुराने राइस है वो अच्छे से बनते हैं, एकदम खिले खिले बनते हैं, और ये जो नए वाले हैं वो थोड़े से चिपचिपे रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास जो है उसी से काम चलाएंगे, ये भी अच्छे से बनेंगे। अगर आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लो तो ये भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितने बासमती राइस लिए हैं और उन्हें अच्छे से धो लिया है 2-3 बार। बहुत मसल मसल के नहीं धोएंगे, एकदम हल्के हाथों से धोएंगे। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी और उसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। चावल अच्छे से भीग जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो आप भी अगर बना रहे हो तो इस तरह भिगो के रख दें। तो चलिए चावल भीग रहे हैं, तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है फ्लावर, इसको हम इसे फूल गोभी बोलते हैं ना हिंदी में, हम गुजराती लोग हैं तो हम इसे फ्लावर बोलते हैं, कोई फुलावर बोलता है। तो चलिए इसे अभी हम फूल गोभी बोलते हैं। तो इसे हमें काट लेना है, इसे थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, एकदम छोटे पीसेस में नहीं कट करेंगे। मैंने कहीं पे सुना था कि सब्जियों को ज़्यादा छोटा छोटा नहीं कट करना चाहिए, अगर आप सब्जियों को ज़्यादा छोटा कट करते हो तो उसमें से सारे गुण चले जाते हैं, क्योंकि सब्जियों को काटने के बाद हम धोते भी हैं तो शायद इसी वजह से सारे गुण चले जाते होंगे पानी में। तो आज हम सब्जियों को थोड़ा बड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर को भी इस तरह बड़ा कट कर लिया है और अब आलू को भी। तो ये नए वाले आलू हैं, इसे मैंने छील लिया है और आप देख रहे हो इसी तरह मैंने उसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। पुलाव एक ऐसी रेसिपी है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कि कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो। सर्दियों में तो अभी बहुत सारे वेजिटेबल्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आप इसके अंदर कैप्सिकम, गाजर, बीन्स कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास फिलहाल तो अभी यही वेजिटेबल्स अवेलेबल थे तो मैंने यही ले लिए हैं। उन्हें अच्छे से धो लिया है 2-3 बार और अब गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और ये जो फ्लावर और आलू मैंने जो कट करके रखे हैं उन्हें पहले हम इसमें फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के लिए हम ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितना। तो ये मेरे पास ऐसी वाली चम्मच है, तो मैंने 2 चम्मच जितना तेल ले लिया है और अब आगे की तैयारी कर रही हूँ जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पानी। हमारे जो चावल है वो अच्छे से भीग गए हैं, तो ये देखिए आप देख सकते हो कि अच्छे से भीग के रेडी हो चुके हैं 10 से 15 मिनट में। तो मैंने ऊपर से जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी यहाँ पे ले लिया है यूज़ में और पानी को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए अब तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसमें डाल देते हैं फ्लावर और आलू और उन्हें फ्राई करने के लिए रख देते हैं। ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, नमक डालने से ये फटाफट से पक जाएंगे और इसके अंदर नमक का टेस्ट भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा नमक डाल के उसे छोड़ दिया है मैंने पकने के लिए, बीच बीच में थोड़ा सा उसे हिलाते रहेंगे वरना नीचे से चिपकने लगेंगे। तो चलिए अब काट लेते हैं बाकी की सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 से 3 प्याज और उसे छील के हम कट कर लेंगे। इसकी प्योरी नहीं बनाएंगे, इसे चॉपर में चॉप नहीं करेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज के बीच में से आप ऐसा वाला कुछ निकालते हो जो व्हाइट वाला पोर्शन आता है, वो मैंने कहीं पे देखा था, तब से मैं भी ये निकाल रही हूँ, पहले मैं भी नहीं निकालती थी, लेकिन इसका रीज़न मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा करने से जो प्याज है वो इजीली कट हो जाते हैं, वो जो जुड़े रहते हैं पीछे से वैसे जुड़े नहीं रहते, सारे पीसेस अलग हो जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, बाकी तो रीज़न मुझे पता नहीं है। तो चलिए अब प्याज तो कट हो चुके हैं तो अब टमाटर को भी कट कर लेते हैं। तो टमाटर को भी इसी तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। तो सारी सब्जियां हमारी कट हो चुकी है, बीच बीच में मैं फ्लावर और आलू को भी देख रही हूँ ताकि जल ना जाए नीचे से। यहाँ पे हमारा पानी भी उबलने लगा है, पानी में अच्छा खासा उबाल आए तभी उसके अंदर चावल ऐड करने हैं। पहले से ऐड करेंगे तो चावल नीचे से चिपकने लगेंगे, तो पानी में अच्छा खासा उबाल आए तभी इसके अंदर चावल ऐड करें। तो ये देखिए हमारे आलू भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, कोई कोई मुझे कच्चे लग रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, लेकिन 1-2 मिनट के लिए अभी और रख देते हैं ताकि जो कच्चापन है वो भी निकल जाए उनका। चलिए तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए अदरक और मिर्च की पेस्ट, तो इसके लिए मैंने ले ली है 2 हरी वाली मिर्च और 1 टुकड़ा आलू का
मतलब अदरक का, और उसे हमें कूट लेना है। कूटने के लिए इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये अच्छे से कूट जाता है, एकदम बारीक कूट जाता है। तो आप भी जब इस तरह कूटे तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। तो चलिए, यहाँ पे हमारे आलू और फुलावर भी एकदम फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। चावल को हमने भीग के रखा था, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे चावल एकदम रेडी हो जाएंगे। चावल नए हैं तो हमें इसे थोड़ा सा कच्चा रखना होगा। कच्चा रखेंगे तो एकदम खिले खिले बनेंगे, बाकी थोड़ा सा और पका लिया तो एकदम चिपके चिपके बनेंगे। तो इस बात का हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना होगा कि चावल ओवर कुक ना हो जाए। तो चावल को मैंने छान लिया है इस तरह की छलनी में, और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना होगा। चावल ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच भर के घी। उसमें थोड़ा सा तेल भी था, तो घी और तेल दोनों साथ में लिए हैं। घी और तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा, 1 तेजपत्ता, 2 से 3 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 लाल सूखी मिर्च और 1 चक्रीफूल, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर डाल देंगे थोड़े से काजू जो मैंने पीसेस में कट करके रखे थे, और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। काजू अच्छे से फ्राई हो जाए फिर उसके अंदर डाल देंगे अदरक मिर्च का पेस्ट, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर डाल देंगे प्याज, और प्याज को भी हमें पका लेना है। बाद में मैंने ऐड किया है घर का बटर। अगर आपके पास घर का बटर नहीं है तो आप बाहर का बटर भी यूज कर सकते हो। बटर डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, तो बटर ज़रूर डालें। और अब डाल दिए मैंने मटर के दाने, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और कर दिए बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च और नमक, और ऊपर से डाला है 2 चम्मच भर के गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और डाल देना है टमाटर, और इन सबको फिर से मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़े से गल जाए फिर उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के घर की मलाई, जो दूध के ऊपर आती है वही वाली, और थोड़ी सी चीनी मैंने डाली है ताकि पुलाव में थोड़ी सी मिठास होगी तो बहुत ही बढ़िया लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालती हूँ। और लास्ट में मैंने डाल दिए हैं गोभी और ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो। और यहाँ पे एक स्टैंड के ऊपर मैंने रख दिए हैं 2 कोयले, उन्हें मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये पुलाव है उसके अंदर हम स्मोकी फ्लेवर लाने वाले हैं। पुलाव के अंदर स्मोकी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है, तो अगर आपके पास भी कोयले रखे हुए हैं तो उसका यूज इस तरह जरूर करिए। पुलाव में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसकी वजह से। यहाँ पे सब्जियों के अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं, और उन्हें एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। चावल को बिल्कुल भी दबा के मिक्स नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से करें, क्योंकि दबा के मिक्स करेंगे तो चावल टूट सकते हैं। और अब ये पुलाव के अंदर मैंने रख दी है 1 छोटी सी कटोरी, और ये जो हमारे कोयले हैं अच्छे से गर्म हो चुके हैं तो उन्हें रख दिया है कटोरी के अंदर। और अब उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी और उसे ढक देंगे। ढकने से ये जो फ्लेम है, जो कोयले जल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे जलना, और उसमें से निकलेगा धुआं, और ये जो धुआं जो स्मोक आएगा वो सारा फ्लेवर ये पुलाव के अंदर चढ़ जाएगा, और हमारा पुलाव इतना बढ़िया इतना टेस्टी बन के रेडी होगा कि घर में सारे लोग उंगलियां चटते रह जाएंगे। तो चलिए, पुलाव के साथ खाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। तो यहाँ पे मैं पुदीना और खीरे का रायता बना रही हूँ। तो खीरे को मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, और ये जो पुदीना है उसे भी। तो पुदीना यहाँ पे मैंने 5 से 7 पत्तियां ली थी, और ये खीरा है मैंने 1 खीरा लिया है, उसे बीच में से काट के मैंने टेस्ट कर लिया है, क्योंकि कई बार खीरा बीच में से कड़वा निकलता है। साइड्स में तो अच्छा लगता है लेकिन बीच में से कड़वा होता है, तो मैंने उसे टेस्ट कर लिया है, एकदम बराबर था। और अब ले लिया है दही, यहाँ पे मीडियम खट्टा वाला दही लेना है, और उसके अंदर डाल देंगे खीरा और पुदीना, और उसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी भर के नमक और 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। मेरे बच्चों को मीठा रायता पसंद है, इसीलिए मैं इसी तरह रायता बनाती हूँ। तो चलिए, हमारा रायता भी फटाफट से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब कढ़ाई को खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, सारा स्मोक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, और हमारा पुलाव एकदम बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो पुलाव मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और इसे मैं रायते के साथ सर्व कर लूंगी। पुलाव एकदम खिला खिला बना है, और उसके अंदर से जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है उससे तो मेरे मुंह में पानी आने लगा है। तो चलिए, मैं और रुद्र तो बैठ जाते हैं पुलाव एंजॉय करने के लिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।